पूछता है किनारे गंगा मैया को पार करके भगवान राम जब उतरते हैं तो उतराई देने लगते हैं, ऐ प्रभु पार कर लिया और कटे गंगा भर लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे हैं तो केवट कहता है कि मुझे प्रभु को चाहिए नहीं, प्रभु हमारी जाति और आपकी जाति एक है, आप भव सिंधु से पार लगैया और हम गंगा मैया से पार लगैया उतरवैया, जाति पाति मेरी की हमारी हो तुम्हारी नाथ, केवट को कर में एक दूजो ना निहारियो, अरे तुम तो उतारत पार, तुम तो उतारत भव सागर पर पार, थर कर सरिता उतारी में कुटुंब दिन गुजारी हो, से जो उतरते हैं जो हमें द्रव्य मिलता है उसी से मैं अपने परिवार का पालन करता हूं, और प्रभु नाई से न नाई ले धोबी से न धोबी ले देके उतराई मेरी जाति ना बिगाड़ियो, जात को मत बिगाड़िए प्रभु, एक ही जाति है, नाई एक नाई दूसरे नाई का बार काटता है तो उसका दाम नहीं लेता, एक धोबी दूसरे का जो वस्त्र प्रक्षालन करता है उसका दाम नहीं लेता, तो प्रभु हम भी एक ही जात के हैं ना, उतार रहे हैं यहां और आप भव सिंधु से उतारिएगा तो इसमें अदला बदली थोड़ी है, बस यहां हम कर रहे हैं प्रभु आप वहां कर दीजिएगा, हम तुम भैया एक कर्म के करैया नाथ, केवट सो केवट न ले तो उतरैया है, हम भी केवट आप भी केवट उतराई कुछ नहीं है, प्रभु आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, कृपा करके इस जीवन को संवार देना है, सुमंत छोड़ करके भगवान राम को आते हैं और इधर पुत्र के शोक में राजा दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत भी चित्रकूट जाते हैं और अत्र के आश्रम में जाकर कर पंचवटी निवास करते हैं, सबरी पर कृपा करते हैं और सुग्रीव से मित्रता होती है भगवान राम की, बलि का वध करते हैं भगवान राम और पुनः सीता मैया की खोज करने लगते हैं, हनुमान जी ने समाचार सुनाया, मित्रता हुई सुग्रीव से, हनुमान जी ने आकर के समाचार सुनाया और सेतुबंध रामेश्वर में सेतु बांध करके पुल बांध करके लंका में जाकर के राम जी और भयंकर युद्ध हुआ रावण से राम जी का भयंकर युद्ध हुआ, मेघनाथ को मोक्ष हुआ, विभीषण को तिलक हुआ और पुष्पक विमान से पुनः राम जी अपने अयोध्या वापस आते हैं और राज तिलक होता है, अरे घर आई गेल
लक्ष्मण राम पुरी में आनंद भयो घर आई गयो। लक्ष्मण राम पुरी में आनंद भयो घर आई गयो। माता कौशल्या पूछन लागी, माता कौशल्या सुन बेटा मेरी बात, पूरी में आनंद भयो बढ़िया। यहाँ महोत्सव मनाया जा रहा है, भगवान राम वापस आए। राम जी ने 13,000 वर्ष राज्य किया। भगवान राम के राज्य में ये जो दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख, ये शूल है, ताप है, ये कभी व्याप्त नहीं हुए। बोलिए राम लला भगवान की जय। आइए, यदुवंश सुखदेव जी महाराज पुनः परीक्षित से कहते हैं कि ये परीक्षित, आपका जन्म भरत का वंश। सुखदेव जी कहते हैं कि परोर वंशम प्रवक्षामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंशाः ब्रह्मवंशाश्च जधीरे। भरत वंश में, गुरु वंश में उत्पन्न जनमेजय, रंतिमार, रंतिमार के ध्रुव और ध्रुव के सुमति, सुमत के रैम्य, रैम्य के दुष्यंत और दुष्यंत के भरत, भरत के रंतिदेव हुए। गुरुश्चरंति दश संकृते पांडुनंदन रंतिदेवस्य हि यस यहा मूत्र चगीयते। रंतिदेव के बृहताक्ष हुए, बृहताक्ष के हस्त हुए, हस्त के नील हुए और नील के महाराज शांतन हुए और शांतन के भीष्म हुए। शांतन की पत्नी सत्यवती और पराशर जी के द्वारा व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की और इन्हीं शांतन के परिवार में पांडु के धृष्टराष्ट्र और पांडु हुए। धृष्टराष्ट्र गांधारी से विवाह हुआ और पांडु का विवाह कुंती से हुआ और धृष्टराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन और पांडु के कुंती से 5 पुत्र हुए, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। इन्हीं में द्रौपदी जो पांचाली थी, द्रौपदी के 5 पुत्र हुए जो अश्वत्थामा के द्वारा मार दिए गए और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, सुभद्रा के पुत्र हुए अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र हुए उत्तरा से महाराज परीक्षित। आज जो आप को श्राप लगी है, समीक के पुत्र श्रृंगिरिष का जो श्राप है और जो आनंद की गोता आप लगा रहे हो श्रीमद् भागवत में, उन्हीं के वंशज आप
ऐ परीक्षित, गोविंद का अवतार यदुवंश में कैसे हुआ, ये कथा आप श्रवण करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, एक सुंदर सा भजन करते हुए पुनः श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं। प्रेम से मीठे मीठे ताली बजाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत महापुराण की परीक्षित कहते हैं कि प्रभु कथितो वंश विस्तार पूर्वजों पितरों को विजय दिलाई थी। रोहिणी और देवकी दोनों के पुत्रों में की गई है। अपनी योग माया से मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं था, उनकी इसी धरा धाम पर होने वाली समस्त लीलाओं का वर्णन करिए। प्रभु हमें बताइए वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन पुनर्ति। और वक्ता श्रोता और पृष्ठा पूछने वाला तीनों को पवित्र कर देती है। कहने वाला, सुनने वाला और प्रश्न करने वाला, ये तीनों पवित्र हो जाता है। जहां पर श्रीमद् भागवत कथा होती है वो वसुंधरा पवित्र हो जाती है। भागवत होती है तभी जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं और पितरों की कृपा होती है। नहीं तो भागवत बहुत लोग कोशिश करते हैं कि भागवत हो, लेकिन भागवत कर नहीं पाते, देह शांत हो जाता है। बड़ी ही कृपा, जन्म जन्मांतर का पुण्य जब उदय होता है तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मधुपुरी मथुरा के राजा उग्रसेन थे। उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा था। वह पवन रेखा एक दिन सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी, तभी वहां पर काल नेमी का राक्षस आया और
बलाहत उसने पवन रेखा को एकांत में ले जाकर के उस पवन रेखा के साथ समागम किया। तो बलाहत जब समागम किया तो पवन रेखा ने कहा, बोली पति ऐसा नहीं कीजे, रूप धारण करके, अरे बोली पति ऐसा नहीं कीजे और दिल रति किए पूर्ण सब छीजे। ऐ पतिदेव इस समय ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो कालीनील का राक्षस रूप धर करके गया था उग्रसेन का, लेकिन जब बलाहत बलपूर्वक उसने ऐसा किया तो पवन रेखा साप देने लगी, और जब साप देने लगी तो अपने रूप में आ गया और उसने कहा कि हे रानी, तेरे उदर से जो बालक जन्म लेगा ये विश्व विजयी प्रतापी होगा। पवन रेखा ने सोचा कि प्रतापी पुत्र के लाभ से उसने उस कार्य को छुपा लिया और वह जो है ईवा कपेक निकट हमारे। जब अपने पति के पास पर पहुंची तो सखियों ने पूछा, ऐसा कैसे हो गया, तुम्हारा ये शरीर वस्त्र अस्त व्यस्त कैसे है। पवन रेखा ने बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ और प्रारब्ध बस वह जो है उसके पेट से कंस का जन्म होना था, उसने अपने पति उग्रसेन से छुपा लिया। समय आने पर, समय जब बीता तो कंस का जन्म हुआ। कंस कह अर्थात दूसरे का अंश, कम अंश दूसरे का अंश वही कंस है। अब जो है कंस का जन्म उग्रसेन के यहां, वो कालनील जो राक्षस था उसी का अंश था, लेकिन छुपा लेने के कारण आज उग्रसेन के यहां कंस जब जन्मा भाद्रपद में, भादव के महीने में, अपनी मां को अत्यंत कष्ट देकर के वह पैदा हुआ और पैदा होते ही जब वो पैदा हुआ तो पवन रेखा ने उस कंस को यमुना जी में प्रवाहित कर दिया और यमुना जी में प्रवाहित करते समय महाराज सूरसेन को यह लपेटा हुआ मिला और उग्रसेन इसको उठा लाए और इसका पालन पोषण किया। भगवान की प्रेरणा से एक दिन नारद जी ने आकर के सारा वृत्तांत बता दिया कंस को, तुम्हारे ऐ कंस तुम्हारे वास्तविक पिता मथुरा के राजा उग्रसेन है। और तब वह मथुरा आकर अपने माता पिता से मिल गया और उसका नाम कंस पड़ गया। जब वह कंस बड़ा हुआ तो उत्पात करना प्रारंभ कर दिया, ब्राह्मणों संतों का अपमान करना प्रारंभ कर दिया, यज्ञादि अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके साथी जो दुष्ट थे, दुष्ट स्वभाव के थे, अलौकिक अनैतिक कर्मों में उसका सहयोग देने लगे और पृथ्वी पर जब अत्यधिक अत्याचार बढ़ने लगता है तब भगवान में अवतार लेते हैं। जब अत्यधिक अत्याचार होने लगा तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि ऐ ब्रह्मदेव, पृथ्वी पर कंस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। अस भ्रष्ट अचारा भासं सारा, धर्म सुनिए नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासै देश
निकासई जो कह वेद पुराना। सुखदेव जी कहते हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा जनिष्यते तति प्रत्यार्थम सब भवन्तु सुरस्त्रियः। कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया कि वह अपने पिता उग्रसेन को भी सताने लगा, आसपास के छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और जरासंध की दो पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति से इसका विवाह हुआ। इसलिए अपने चाचा की पुत्री देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र सत्यवादी वसुदेव के साथ बड़ी धूमधाम से किया और बहुत ढेर सारा दहेज दान दिया। खूब धूमधाम से अपनी बहन का विवाह देवकी का किया, ढेर सारा दहेज अपनी बहन को दिया। हय गए संदन हेमपट रतन अनेक दीन, हय घोड़ा रत्न इत्यादि हाथी घोड़े रत्न याचक सब परितोषिके विदा बहिन कर कीन। प्रसन्न मुद्रा से खुशी खुशी स्वयं रख हाँकते हुए अपनी विवाह बहन को विदा किया। बहन का विवाह करके स्वयं रख हाँकते हुए बहन को विदा किया। मस्तमो गर्भो हत्यायां बहसे बुधा। जब देवकी को रथ में बैठा करके वो लेकर के जा रहा था तभी उसी समय आकाशवाणी हुई कि ऐ कंस, जिस बहन को तू इतनी प्रसन्नता के साथ लेके जा रहा है, विदाई कर रहा है, इसी के आठवें पुत्र से तेरी मृत्यु होगी, आठवां पुत्र तेरा काल होगा। अब क्या था, आकाशवाणी हुई। जो ही आकाशवाणी हुई कंस क्रोधित तो हो गया और अपने म्यान से तलवार निकाल करके देवकी के केस पकड़ ली और केस पकड़ करके मारने को तैयार हो गया। सोचने लगा कि जो आकाशवाणी हुई है, मैं अगर देवकी को मार दूंगा तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जब यही नहीं रहेगी तो कहां से पुत्र पैदा होगा। और जब देवकी को मारने के लिए उद्धृत हुआ, तलवार निकाली, तो वसुदेव महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे कि ऐ कंस, नारी निंदा मत करो। नारी की निंदा नहीं करनी चाहिए। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान। आदि शक्ति से ही नर की उत्पत्ति होती है और नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। भक्त ध्रुव भक्त प्रहलाद जैसे नारी ने जाया है अर्थात पैदा किया। प्रतियात कुमार यस्मादस्ति मे भयम्। जब मारने के लिए कहा, वसुदेव महाराज कहने लगे कि अय भ्राता कंस, आपको देवकी से कोई डर नहीं है, मैं आपसे आपको वचन देता हूं कि जितने भी पुत्र होंगे पैदा होते ही हम आपको दे देंगे।
आप मेरी बात का विश्वास करिए। हे राजन कंस, समस्त ब्रजवासी, स्त्री पुरुष, सभी देवता, सभी यदुवंशी पृथ्वी पर दैत्यों के अत्याचार बढ़ने कारण उसे दूर करने की तैयारी में लगे हुए हैं। अर्थात समस्त जो भी बच्चे होंगे भैया कंस, हम आपको दे देंगे। जब देवकी वसुदेव को जेल खाने में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ी लगा दी, और जब देवकी को प्रथम पुत्र हुआ तो वसुदेव उस पुत्र को लेकर कंस के दरबार में आए और आकर के कहा कि कंस, मैं जो बात कही थी, वचन आपको दिया था, मैं अपने पुत्र को लेकर के आया हूं। इस पुत्र को आप लोग, कंस उस समय दयावान हो गया। उसने कहा कि ए वसुदेव, इस बालक से मुझे कोई भय नहीं है, इससे मुझे कोई डर नहीं है, आप इसको लेके जाओ। प्रत्यातु कुमारोऽयम् नास्मादस्ति मे भयम्, हयस्मादस्ति मे भयम्। इस कुमार से, इस बालक से मुझे कोई भय नहीं, इसको लेकर के जाओ। मेरा काल तो आठवां बालक है, आठवां पुत्र है, मुझको भय। जैसे वसुदेव अपने पुत्र को लेकर के चले, वैसे ही अहर्निश नारायण का गुणगान करने वाले नारद भगवान, नारद मुनि पहुंच गए बीड़ा बजाते हुए। जय जय नारायण नारायण नारायण, नारायण का गुणगान करते हुए पहुंचे और पहुंच करके कंस से कहने लगे कि हे राजन कंस, आप ये बताइए, आपने तो वसुदेव को, जो देवकी का पहला पुत्र हुआ था, उसको वापस कर दिया, एक पंखुड़ी कमल लिया और कमल के पंखुड़ियों को गिनने के लिए कहा कि ऐ कंस, इसको आप गिनो। आठ पंखुड़ी का जब दिया तो कहा, इन आठों में से बताओ कि प्रथम पंखुड़ी कौन है। अब कंस सोचने लगा कि प्रथम तो इसमें कहीं लिखा नहीं है। अब उसको पंखुड़ी दिए, गिनाने लगे तो कहा कि ये बताइए, ये पंखुड़ी से गिनिएगा तो आठ यहाँ होता है, अगर इसको छोड़ करके इस पंखुड़ी से गिनिएगा तो आठ यहाँ होता है। ऐसे ऐसे नारद नारायण नारद जी उसको आठों पंखुड़ियों को एक कर करके उसको गिनवा ले गए कि आठवां सब हो सकता है, एक से लेकर के आठवां आठवां हो सकता है। तुम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कंस। अब क्या था, कहा कि आकाशवाणी भी झूठ बोलती है क्या? कहा ये हम नहीं जानते कि आकाशवाणी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती, लेकिन पहला आठवां हो सकता है, आठवां पहला हो सकता है, आप विश्वास मत करो। कंस तुरंत वहां से भागा और जो पहला पुत्र था उसको लेकर के आया और पत्थर पर पटक दिया। पहला पुत्र मर गया। ओम देवकी वसुदेवं च निगृहाणि गणे गृहे जातं जातमन पुत्रं तयोरजन संकयः। बेड़ियों से जकड़कर पुनः जेल में उसको डाल दिया और डाल करके प्रत्येक पुत्र को विष्णु समझकर, नारायण समझकर मारने लगा। जो बच्चा पैदा होता उसको ले जा करके वसुदेव देते और वो पत्थर पर उस पुत्र को मार डालता। अब धीरे धीरे समय आ गया आठवें का। ये कंस अहर्निश 24 घंटा इसको डर बनी है, भगवान का नाम जप रहा है कि वो आठवां मेरा काल है, वो विष्णु मुझे मार डालेगा।
भाय कुभाय अनख्यालस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। भाव से, प्रेम से, कुभाव से, चाहे जैसे भी भगवान का नाम ले तो मंगल दिशी दसहूं, उसका सब प्रकार का कल्याण हो जाता है। आज जो है समय बीतने लगा, समय बीतते हुए प्रलंबक चारुण त्रिणावर्त महाशनि मुष्टिकारिष्ट द्वेद पूतना के सुधेन कई। कंस आ जानकर कि पूर्व जन्म में कालनेमी मैं था और विष्णु के हाथों मारा गया था, ऐसा सोचकर कि आदियों से बैर ठान रखा था। अपने पिता उग्रसेन को, जो यदुवंशी थे, उनको अंधक और भोज वंशियों को जो राजा थे बंदी बना करके जेल में डालकर स्वयं वह कंस सिंहासन पर बैठ गया। अपने साथी और सहयोगी के द्वारा यदुवंशियों को सताने लगा। इधर देवकी के 6 पुत्रों को कंस मार दिया। जब सातवा गर्भ आया तो सातवा गर्भ किसका है? शेषनाग बलराम जी का है। सातवा गर्भ आया, देवकी मैया को बड़ी प्रसन्नता होने लगी, उनका मन बड़ा प्रफुल्लित होने लगा, कोई दुख नहीं है। जब गर्भ में आए तब भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि इस गर्भ को ले जाकर के माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। अब माया ने, योग माया ने उस गर्भ को निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया और भगवान ने योग माया को उपहार स्वरूप कहा कि ऐ देवी, मैं जब देवकी मैया देवकी के गर्भ में आऊंगा तब तुम यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होना। अष्टभुजा देवी के रूप में महामाया, लोग कलयुग में आपको अनेक नामों से पूजा करेंगे। अब गोविंद का प्रागट्य होने वाला है, बड़ी सुंदर झांकी। सुंदर समय मंद मंद पवन काल भी महाकाल भी इस समय से गोविंद आए तो ब्रह्मादि देवता आकर के सत्यात्मकम गोपाला सब प्रेम से भगवान गोविंद को प्रकट करेंगे। अरे भय प्रगट गोपाला दीन दयाला यशुमति के हित का मोहन मदन सीता धाई गई जहां जतुराई।
पहुंचेंगे गोकुल। जब जमुना जी को पार करने लगे तो जमुना जी बढ़ाई और गई गोकुल में। वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के पहुंचे हैं और खुल गए सारे ताले। और क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले। और क्या बात हो गई, जब से दिल में
यशोदा मैया के यहाँ। और इतना कह करके वो भगवती अंतर ध्यान हो गई। इधर जब सुबह हुई, मैया की नींद खुली तो कन्हैया रोने लगे, और जब कन्हैया रोने लगे तो इतनी उम्र में नंद बाबा को लल्ला हो गया। बढ़िया बढ़िया बधाई गीत। Nalaa ke jaan, nazar nalaa
देखिए घर के आज उनके यहाँ लल्ला का जन्म हुआ। सोहर सुहावन सुंदर सूरत लहु अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत लहु रज जी अरे बबुआ हमार महाराज हुई इसका पहले पढ़ा था राजा अधिराज हुई है प्रभु ललना ललना मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है और विनोद भैया जैसे